हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 200 ग्राम हमने पालक जो है साफ़ करके धुल के और अच्छे से देख के हमने ले लिया है। आप देख सकते हैं पानी को हमने कढ़ाई में डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डाल देने से ये होता है कि कलर जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता, पालक का एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है। अब देखिए अच्छे से उबाल जब जोरों से आने लगेगा उसके बाद से हम पालक को डालेंगे। उबाल आने लगा है, इसमें हम पालक को डाल देते हैं। पालक को डाल के 5 मिनट तक इसे हमें उबालना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। और दूसरी साइड हम यूज़ करेंगे ठंडा पानी। पालक को उबलते हुए 5 मिनट हो गया है, चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल के हम ठंडे पानी में डाल देते हैं। हमने इस कटोरे में जो है ठंडा पानी ले लिया है और पालक को जो है ऐसे हमें करके इसका जो गर्म पानी हो अच्छे से निकल जाए और उसके बाद से हमें ठंडे पानी में डाल के ऐसे डुबा देना है। पालक जो है ठंडा हो गया है, हमने ले लिया है ये मिक्सर जार और पालक को जो है पानी से निकाल के हमें मिक्सर जार में डाल देना है। डाल के पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, इसका हमें पेस्ट जो है तैयार करना है। हमने 3 तीखे के अनुसार ये हरा मिर्च ले लिया है, काफ़ी तीखा है इसलिए हमने 3 ही यूज़ किया है। इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसके साथ जो हमें पेस्ट इसका भी तैयार कर लेना है। हमने 1 टमाटर और अदरक और लहसुन इन सबको हमने ले लिया है, इसका भी हम पेस्ट जो है तैयार कर लेंगे। हमने तेल जो यूज़ किया है सरसों का तेल यूज़ किया है, तेल गर्म हो गया है। और हमने ये 200 ग्राम हमने पनीर ले लिया है। पनीर को हम तल लेते हैं, जैसा कलर आप पसंद करते हो ज़्यादा कम तल सकते हैं, बिना तले भी आप पनीर को यूज़ में ले सकते हैं। पनीर जो है तल चुका है, हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब इसे निकाल के हम नॉर्मल पानी हमने ले रखा है और इस पानी में हम इसको डालते जाएंगे पनीर को। पनीर को हमने निकाल दिया, अब हमें चूल्हे को ऑन कर देना है। तेल में हम डालेंगे, उसी तेल में हम यूज़ करेंगे, ये हम हींग डाल देते इसमें और ये गया ज़ीरा। जीरे का कलर जो है चेंज हो गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। हमने प्याज 1 काट के बारीक काट के ले लिया है। अब हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक प्याज को हमें भून लेना है। प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं हरा मिर्च, अदरक, टमाटर और लहसुन, इसका जो है हम पेस्ट डाल देते हैं। अब इनको साथ में हमें भून लेना है। अब इसके साथ जो है मसाले भी जो यूज़ करेंगे वो दिखा देते हैं। हमने गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हमने हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, कलर जो है चेंज हो जाएगा इसलिए हल्दी जो है हल्की हल्दी डालनी है। अब इसे साथ में जो है हमें भून लेना है। मसालों को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। अब इसमें हम पेस्ट डाल देते हैं, जो हमने पालक का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो हम डाल देते हैं इसमें। डाल के इसके साथ जो है हमें इसे थोड़ी देर तक भून लेना है, 2 मिनट तक। अब इसमें जो है हम 1/2 गिलास पानी डाल देते हैं। हमने इसी जार में लेके और जो साइड वगैरह में लगा था उसको हमने निकाल लिया है। अब इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, पतला नहीं होता ये, गाढ़ा होता है, ये पक के तैयार हो जाएगा। अच्छे से पहले इसे हमें पकाना है 10 मिनट तक, मसाले जो और पालक टमाटर जो भी हम सब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए, उसके बाद से हम पनीर जो है लास्ट में डालेंगे। पहले पनीर नहीं डाला जाता है, सेहत पे असर पड़ता है, इस इन बातों का जरूर ध्यान। ग्रेवी जो है तैयार हो गई है पालक की, आप देख सकते हैं। अब इसे चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमें निकाल के डाल देना है, पानी थोड़ा भी नहीं डालना है और इसके साथ जो हमें इसे मिक्स कर लेना है। पालक पनीर को हम कटोरे में निकाल लेते हैं, जिस कटोरे में हमने तल के रखा था, आप देख सकते हैं बहुत बेहतर बना। कटोरे में हमने घी डाल दिया है, घी को गर्म करना है। घी जो है गर्म होने लगा है, इसमें डालेंगे हम सूखी मिर्च। सूखे मिर्च से इसका जो है हम तड़का लगाएंगे। हमने 3 ये सूखी मिर्च ले लिया है, अब इसे हमें तोड़ के इसमें डाल देना है। देखिए अब ये तैयार भी हो गया है, घी काफ़ी गर्म था। अब इसको जो है हम पालक पनीर में तड़के को डाल देते हैं, तड़के को हम ऊपर से डाल देते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन टेस्टी जो है पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बनाइए और खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी रेसिपी जो है कैसी लगी।